जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और पीडीएफ है वहां पर प्रोवाइड करवाई जा सके। जो आज पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, बिल्कुल आपने थंबनेल में सही देखा, एक ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर न आपको पेपर देना है, न इसके अंदर आपको कोई इंटरव्यू देना है और न ही किसी प्रकार की आपको कोई स्किल डेवलपमेंट जो आपके अंदर हो ऐसा चाहिए। ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड पे, ओनली फॉर 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपकी यहाँ पर ये पेपर, यहाँ पर ये भर्ती है वो होने वाली है और इसके अंदर आपका सिलेक्शन भी होने वाला। जो भी भाई बहन 10th क्लास पास किए हैं, अभी जो भी स्टूडेंट 10वीं क्लास पास किए और उनके अच्छे नंबर हैं और वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहते हैं और पास साथ में ही एक जॉब भी चाहते हैं जो अपने घर के आसपास में भी हो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग जिसके भी अच्छे नंबर हैं वो चुके नहीं, नंबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहे। अभी हम चर्चा करते हैं ये वैकेंसी क्या है और कब से कब तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे और इसमें क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी है भारतीय डाक विभाग की, GDS की, ग्रामीण डाक सेवा जिसे बोलते हैं हम, इसके अंदर ये वैकेंसी आई है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर, काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर आपके पद हैं। और ये सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इसकी तिथि क्या है कि कब से कब तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। तो दोस्तों, इसके फॉर्म हैं वो 27/1/2023 से इसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए और मात्र 15 दिन आपके पास में और बचे हैं, 16/2/2023 तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद में दोस्तों, ये वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर है, तो ये वैकेंसी आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM और डाक सेवक, इन पदों के ऊपर ये वैकेंसी आई है और इनके अंदर टोटल पदों की संख्या है आपके लिए 40,890। जो भारत के जितने भी जो भारतीय डाक सर्कल हैं, इन अभी सभी सर्कलों के अंदर अलग अलग पद हैं, वो मैं आपको PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सर्कल के अंदर कितने पद हैं और आप कौन से सर्कल से भरें और उसके अंदर आपको कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, वेतन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर अच्छे खासा वेतन आपका यहाँ पर बनेगा। एक 10वीं पास करने के बाद में जो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं साथ ही साथ और आप अपने घर के पास में नौकरी भी कर सकते हैं, दोनों काम ही यहाँ पर हो जाएगा और इसके अंदर आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। तो जो BPM की पोस्ट, इसके लिए आपका वेतन 12,000 से 29,380 रुपये है, यानी कि आपको आराम से 15,000-16,000 रुपये से ऊपर यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाला है। इसके बाद में ABPM के अंदर आपका 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। और इसके बाद में जो आयु आपकी एज क्राइटेरिया, वो 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि खूब अच्छी खासा यहाँ पर आपको एज गैप दिया हुआ है। जो 18 साल का हो गया वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है और 40 साल तक का भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसके बाद में भी आपको जो हमारी एज, जो विभिन्न कैटेगरी है, इन कैटेगरी के अंदर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में योग्यता ओनली फॉर 10th पास, 10th के अंदर आपके पास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी होगा। अब दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों का ये कमेंट आता है कि सर, इसके अंदर हम फॉर्म फिलअप करते हैं, हमारा सिलेक्शन होता ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर जिसके भी 80 से ऊपर परसेंटेज है, 80-85 से ऊपर जिसके भी परसेंटेज है, जो भी भाई बहन जिसके 85-80-85 से ऊपर प्रतिशत अगर 10th स्टैंडर्ड के अंदर हैं, तो वो इसके अंदर फॉर्म जरूर फिलअप करें, उनका 100% क्वालिटी आएगा और उनका सिलेक्शन भी होगा। सिलेक्शन वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि खाली परसेंटेज ही हो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो परसेंटेज होते हुए भी फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं लेकिन उनके पास में किसी न किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं करते हैं, इस कारण से वैकेंसी भी खाली रहती है। तो ये सारे जो हम अगर इनके अगर प्रॉब्लम या सारे जितने भी जो इसके इवेंट हैं उनको अगर हम नज़रअंदाज अगर नहीं करें, तो हम अगर 80-85 जिसके भी परसेंटेज हैं तो वो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है और उसका पूरा चांस रहेगा, 100% चांस रहेगा कि उसका इसके अंदर सिलेक्शन हो। बाकी इसके अंदर कितने ग्रेडिंग के ऊपर कितने नंबर हैं वो मेरिट के अंदर जुड़ेंगे, कैसे और कौन सी ग्रेड के अनुसार या कितने परसेंटेज की कौन सी ग्रेड होती है, ये सारा का सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको मिल जाएगा। और यहां से अगर आपको समझ में आ गया तो इसका फॉर्म आप जल्दी से फिलअप करें और उसके बाद में आप अपने सिलेक्शन के लिए भी तैयार रहें। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक इस भर्ती के लिए। जय हिंद, जय भारत।